जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती का शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि आर्यन खान पर बस इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसका सरनेम खान है और बीजेपी ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही महबूबा का कहना है कि बीजेपी को एक 23 साल के बच्चे के ऊपर कार्रवाई करने से बेहतर अपने राज्य गृह मंत्री के बेटे पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके ऊपर किसानों को गाड़ियों से रौंदने का आरोप है, जिसमें 4 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको बता दें कि आर्यन खान को एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज शिप पर चल रही रेप पार्टी में से गिरफ्तार किया था, जिसमें अदालत से अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। फिलहाल आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। हालांकि आर्यन खान के वकील का कहना है कि आर्यन पर लगाए सारे आरोप झूठे हैं। अक्सर बीजेपी पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके वोट बैंक में मजबूती आती है। ITP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।